नमस्कार दोस्तों, भदोस साथ आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके और घंटी के निशान पर भी टच कीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक मिलती रहें। दोस्तों यहाँ पर हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहते हैं। दोस्तों आज की इस जानकारी में हम ये बताएंगे कि आप किस तरह से सिर्फ दो काम करके जिंदगी भर टेंशन फ्री रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी भर टेंशन फ्री। तो दोस्तों देखिए, हम लोग कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, कितने ही पैसे क्यों ना कमा लें, दोस्तों हमारे मन के अंदर टेंशन ज़रूर बनी रहती है। दोस्तों वो क्या टेंशन बनी रहती है, हम हमेशा अपने फैमिली की तरफ से हमेशा टेंशन में रहते हैं कि क्या हम अपने परिवार को अच्छी से अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, उनके खर्चों को पूरा कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों हम यही चीज़ों के अंदर हम उलझे रहते हैं। तो दोस्तों इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। हमें सिर्फ देखिए दो काम करने हैं और वो दो काम क्या करने हैं, वो आपको पूरी लाइफ टाइम तक आपको टेंशन फ्री रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं किसी कंपनी के प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं हम आपसे पर्सनली थोड़ा मैं आपको कुछ गाइड करना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। दोस्तों अगर इससे थोड़ी आपको मदद मिल सके तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, हमारे मन के अंदर जो भी हमारी टेंशन रहती है फैमिली को सिक्योर करने के लिए, या हम जो भी सेविंग्स करते हैं, उस सेविंग्स का जो नुकसान होता है वो कब होता है, अगर हम कभी बीमार हो जाते हैं या मान लीजिए हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। हम कितनी ही कमाई क्यों ना कर लें, कितनी ही बैंक बैलेंस क्यों ना जोड़ लें, अगर हमें कोई बीमारी हो गई तो एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हमारी सारी जो कमाई है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाती है और जहाँ से हमने शुरू किया था हम वहीं पर ही पहुँच जाते हैं। दोस्तों अगर उसके बाद भी अगर हमारे साथ मिसहैपनिंग हो गई, मान लीजिए खर्चा तो हमारा इतना हो गया और उसके बाद भी अगर हमारे साथ मिसहैपनिंग हो गई तो फिर हमारी जो सेविंग्स है वो माइनस में तो जाती ही है, साथ ही हमारे परिवार के ऊपर भी बहुत बड़ी आपदा आ जाती है। अगर हमें कुछ हो जाता है, अगर हम घर में अकेले कमाने वाले हैं, अगर हमें ही कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सभी लोगों को बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है, लेकिन इंडिया के अंदर कोई भी लोग इस बारे में सीरियस नहीं है। हम सिर्फ कमाते हैं, खाते हैं या थोड़ा सा जमा कर लेते हैं और बस उसके बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें अपने इससे आगे भी हमें सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ पर हमें दो काम करने हैं। पहला ये करना है कि हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेके रखना है, ठीक है, चाहे आप 5 लाख का लीजिए, 10 लाख का लीजिए, चाहे कितने का भी लीजिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेके रखिए। दोस्तों आपके छोटा सा इनकम, चाहे वो 5,000 रुपये आप सालाना दे रहे हैं, चाहे आप 10,000 रुपये, एक छोटा सा अमाउंट आपको बुरे वक्त में बहुत सपोर्ट करेगा। दोस्तों ये मेरा पर्सनली आपसे सुझाव है, प्लीज़ आप इसको ज़रूर मानिए। एक हेल्थ इंश्योरेंस आप ज़रूर लेके रखिए ताकि कभी भी अगर किसी को भी कोई ऐसी दिक्कत हो, हॉस्पिटल में एडमिट होना हो, तो आपका जो खर्चा, जो आपकी सेविंग्स है वो हमेशा बनी रहे जहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो दूसरा काम करना है वो आपको ये करके रखना है कि एक आपको टर्म इंश्योरेंस भी ज़रूर करके रखना है। देखिए मैं यहाँ पर आपको कोई कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमें ये दो काम ज़रूर करने हैं, एक टर्म इंश्योरेंस हमें ज़रूर लेना है और दूसरा हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस जो कि हमें बीमारियों के टाइम पे प्रोटेक्ट करता है, हमारी मदद करता है, हॉस्पिटल के खर्चे सारे पे करता है। और टर्म इंश्योरेंस क्या होता है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो टर्म इंश्योरेंस के अंदर मान लीजिए हम कोई टर्म इंश्योरेंस लेते हैं 50 लाख रुपये का, तो उसमें अगर मान लीजिए हमें कुछ हो जाती है, अगर हम घर में अकेले कमाने वाले हैं, अगर हमें कुछ हो जाता है, हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो हमारे बाद हमारी फैमिली को ये 50 लाख रुपये दे दिए जाते हैं। तो इससे होगा क्या, मान लीजिए जो हमारे अंदर टेंशन जो बनी रहती है ना कि हमें कुछ ना हो जाए, हमारी फैमिली को क्या होगा या हमारी सेविंग्स का क्या होगा, तो वो सारी टेंशन फ्री हो जाओगे आप। अगर मान लीजिए कुछ भगवान ना करे कि कुछ हो जाए, तो ये 50 लाख रुपये की जो बड़ी अमाउंट है, जो हम ज़िंदगी भर नहीं कमा सकते, वो 50 लाख रुपये हमारी फैमिली को दे दिए जाते हैं, तो उससे उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है। तो दोस्तों ये काम आपको ज़रूर दो करने हैं। आप गूगल पर जाइए, इस बारे में आप सर्च कीजिए, खुद सर्च कीजिए टर्म इंश्योरेंस के बारे में या हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, और सभी लोगों को टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेकर रखना चाहिए ताकि उनकी फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे। तो दोस्तों ये दो जनरल जानकारियाँ थी जो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के लिए, और घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।